क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लग। ओह, मैं तो बस अपने न्यू सेटअप को निहार रहा था, सहार रहा था, है ना, एकदम चुम्बेश्वरी। तो बैठ के भी वीडियो बना सकते हैं। बनाएगा बनाएगा सेटअप टू सेकंड चैनल पे जल्दी बनाऊंगा। लेकिन आज आज हम बात करने वाले हैं सागर पॉप की। व्हाट्स पॉपिंग? सागर पॉप इज पॉपिंग। कुछ दिन से रील्स पे परम सुंदरियों को बचपन के प्यार पे डांस करते हुए देख ही रहा था। क्यों ना आपका दिन अच्छा जा रहा होता, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है, और सडनली इंस्टाग्राम मुंह पे प्यूके मारता है सागर पॉप को। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, मैनू फॉलो कर लो, छेती छेती कर लो, कल मैनू फॉलो कर लो। नहीं मैं बोला है, ये कौन सा छपरी मोने जो पकड़ा नहीं गया। हेलो फ्रेंड्स, मेरी याददाश्त जा चुकी है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कोई बता सकता है मैं किसका बॉयफ्रेंड हूँ? सागर भाई ऐसा मत करो, दुनिया देख रही है, पीछे से भगवान देख रहे हैं आपको। ना इसी कॉमेडी मत करो, पाप लगेगा। इस बंदे का नाम है सागर पॉप। ना इसके पहले कि तुम लोग सोचो कि सागर पॉप नाम क्यों है, इसका स्टेज नेम कुछ और है। मेरा स्टेज नेम थगेश है, इसका स्टेज नेम क्या है पता है? अपर काजल भाई के कुछ फैंस। इतना वेट करने के बाद भी मेरे को काजल भाई आज नहीं मिले, कैसे? ये रे काजल भाई, असली सागर पॉप। काजल भाई नहीं नहीं एक बात, सागर शक्ल से कितना भी छपरी लगता हो, ये है राजस्थान का। ओके, राजस्थान, यू नो द लैंड ऑफ ब्यूटीफुल पैलेसेस, यू नो राजा महाराजा महल, एंड फिर ये। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। मतलब ये देखा था कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हर स्टेट के हर गांव में छपरी एक जैसे दिखते। इतना ही नहीं, भाई ने सोनू सूद के साथ कोलैब किया है। क्या करना पड़ता है ना सोनू भाई प्रमोशन के लिए। सोनू भाई देखो, अभी आपने लॉकडाउन में बहुत लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया है, इसके भी कंटेंट को इसके घर पे पहुंचाओ, डालो कचरे में, क्या कर रहे हो। कमिंग बैक टू सागर पॉप, काजल भाई का कंटेंट नहीं मास्टरपीस है। तो बेसिकली मैं भी आपको बोलूंगा, आंख बंद करो और एक किसी छपरी लड़के के बारे में सोचो कैसा दिखता है। हाँ, वो सारे फीचर्स है, गोल्डन बाल चेक, लिपसिंग कंटेंट साउंड इफेक्ट के साथ चेक। अगर आप मेरा सेकंड चैनल फॉलो करते हो आपको पता होगा मैं बहुत सारे चैलेंजेस करता हूँ, ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज, यू लाफ यू लूज एक्सेट्रा। लगता है सागर भाई भी अपना कंटेंट बनाते टाइम चैलेंजेस करते हैं, ट्राई नॉट टू मेक एनीवन लाफ चैलेंज, ट्राई टू बी एज क्रिंज एज पॉसिबल चैलेंज। नहीं, आज मैं ये साउंड इफेक्ट डालेगा, आपको झेलना पड़ेगा। सो ये ऐसे चैलेंजेस करता है, ट्राई नॉट टू मेक एनीवन लाफ, और जीतता भी है। ये बढ़िया था गुरु। तो आपको तो पता ही है, कुछ दिन पहले जोगिंदर भाई, अरे भाई जोगिंदर सर जी बोल कर, जोगिंदर सर भाई का ट्रेंड चल रहा था, सारे लोगों ने जोगिंदर पे वीडियोस बना के व्यूज लिए। तो सागर भाई ने भी सोचा कि हम भी डुबकी मारे। वो बता देंगे तने तेरे दोस्त तेरे मित्र या चार, ओ तेरी बहन की लगी हुई, ओ छाती फट गई। अरे भाई लगे ही ना, तुम लोगों का लगता है ये सब इजी है, बेमतलब छाती ठोकना, ओनली जोगिंदर कैन डू दिस। खारा भाई जोगिंदर, मैं सुंदर हूं, मैं क्या करूं? पप्पी दे 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 दे। सागर भाई मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, या तो लोग आपको पसंद करेंगे या तो आप ऐसा कंटेंट बनाओ, दोनों साथ में नहीं हो सकता ना। लग रहा है ऐसा थोबड़ा बनाओगे, पप्पी छोड़ो कोई झप्पी ना दे। ऐसा कौन केक खाता है, मतलब यही होता है जब आपको केक मिल जाए और जिंदगी भर आपने जूते खाए हो। सागर पॉप के वीडियोस देख के मेरे को लगता है एक टाइम था जब थप्पड़ होता ना, थप्पड़ अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का तरीका था। हर ख्वाहिश पूरी कर, थप्पड़ मारा मतलब आदमी गुस्से में। अभी सिर्फ सागर पॉप के वीडियोस का पंचलाइन बन के रह गया है। जी जी पापा, जी पापा जी, थप्पड़ मारा हंसो। एक तो वन थिंग, सागर पॉप के नॉस्ट्रिल्स नाक के छेद कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है, आसपास का आधा ऑक्सीजन तो यही ले लेता होगा।
नहीं मतलब नाक के छेद इतने बड़े फिर भी तू सूंघ नहीं पा रहे तेरे आसपास जो क्रिंज फैल रहा है। तुम्हारे सागर भाई देख सकते हो, देख लो इनको ध्यान से, और प्रति तुम्हारे लिए प्यार है कमेंट में। देखो ऐसा लग रहा है रात के 9 बजे सिटी की गलियों में घूम के बढ़िया लग रहा है और रूम पे जा रहे हैं भाई और रूम पे जाकर थोड़ा चिल करेंगे। भाई तेरे बाल से हाथ हटते है कि नहीं, कैंडी फ्लॉस जैसा निकल जाएगा, छोटे ध्यान रख। एक तो भाई का बाल कभी व्हाइट होता है कभी गोल्ड होता है, थोड़ा केयर करो यार बालों का। गुड हेयर मैटर्स मैन, दैट्स व्हाई आई यूज मैन मैटर्स के प्रोडक्ट्स। सो ये मैन मैटर्स का DHT ब्लॉकिंग शैम्पू है। नाउ लिसन टू मी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये शैम्पू 2-in-1 शैम्पू है जो हेयर फॉल को तो रिड्यूस करता ही है बट आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको भी मजबूत करता है। सो साफ करने के साथ साथ स्कैल्प को नरिश भी करता है। अगर आपको पता नहीं कि हम मर्दों में इतना हेयर फॉल क्यों होता है, इट्स मेनली बिकॉज ऑफ एक्सेस DHT। DHT एक डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एक ऐसा हार्मोन है जो हम मर्दों में हेयर लॉस का मेन रीजन है। तो ये शैम्पू क्या करता है, मर्दों में DHT को भी ब्लॉक कर देता है। DHT ब्लॉक तो हेयर फॉल भी प्रिवेंट। तो इसमें क्या है, कैफेन एंड 1% सौ पेलमेटो है जो DHT को ब्लॉक करता है। बायोटीन भी है जो बालों को मजबूत करता है। और मैन मैटर्स के सारे प्रोडक्ट स्पेशली हम मर्दों के लिए बनाए गए एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है टू रिड्यूस हेयर ब्रेकेज बाय 4.9 टाइम्स। तो ये सबके लिए आपके बाल उठ रहे हैं, आपको फ्यूचर हेयर लॉस से बचना है या फिर आपको सिंपली शाइनी बाल चाहिए एंड अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो उनका ये मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी है। इसमें कीटोकोनोजोल है विच फाइट्स डैंड्रफ विदाउट ड्राइंग योर स्कैल्प। वैसे मैन मैटर्स का पूरा कंसेप्ट बहुत यूनिक है। ये इंडिया का पहला डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है फॉर मेन, वेर यू गेट फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स और बुक अ फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर। एंड मेरे भाई लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है लिंक पे क्लिक करने से। सो या हरी अप, चलो चलो चलो। भाइयों और बहनों, आप जो देख रहे हैं दिस इज द पीक ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, जिसके आगे एक्सप्रेशन जा ही नहीं सकते। कितना भी बड़ा एक्टर हो इससे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। मतलब इसका चेहरा देखो कितना स्ट्रेस में है, मतलब इसके जो फेस के मसल्स है ना उसके टेंशन देख रहे हो बिल्ड हो रहा है। बोला के तेरा सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार एतवार। कितने फॉलोअर्स है भाई? 4.4 मिलियन। I'll show you, अगर आप मेरे फोटो पे जाके कमेंट्स देखोगे तो you'll see बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा होता है, बट अगर आप इसके फोटो पे जाके कमेंट्स देखोगे ना सिर्फ इमोजीज मिलेगा। नहीं मतलब ऐसा कुछ है क्या, लो एफर्ट कंटेंट के लिए लो एफर्ट कमेंट्स? मैं बोलिया डार्लिंग इंस्टापा, मैं बोली चप्पल टूट रही है। अच्छा मतलब मैंने इसकी सारी वीडियोस देख ली, लिटरली कुछ ही नहीं करता, एक ही ऑडियो होती है इसके वीडियोस में। ले मुंह धो के दिखा। हिम्मत बंद करो हाथ जोड़ के। मैं चाइना के एक शायर ने भी क्या खूब कहा है, इंग चिंग पोंग चिंग टिंग टोंग पोंग गोंग डिंग डोंग चिंग 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 पोंग पिंग पिंग निंग 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 पो। ये क्या कर रहा है? निंग 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 पो। मेरे को तो लगा था चाइना ने एक ही बीमारी फैलाई है, ये के भाई क्या कर रहा है यार सागर तू? हाँ करियर में इतना 4.4 मिलियन हाई टाइड चल रहा है, ऐसा वीडियो बनाया लो टाइड आ जाएगा सागर में, समझ रहे? क्या बढ़िया था गुरु। तो तारों के शहर में कि सबको जाने दो, तारों के शहर में हम तुम्हें झाड़ियों में ले चलेंगे क्योंकि हमारे पास ओयो के पैर। लगता ही है वो तारों के सपने दिखा के झाड़ियों में ले जाते। कसम से कभी कभी मेरे को लगता है अगर मैं फैमिली फ्रेंडली नहीं होता ना भाई इनका क्या होता। बट एनीवेज इसको ये साउंड इफेक्ट निकालना एक मिनट। भाई नहीं मेरा इतना रेंज ही नहीं है, क्या करे भाई। सॉरी यार चैनल पे क्या कर रहा हूँ मैं भाई। सॉरी सॉरी लेट्स गो लेट्स गो। देखो ना सागर पॉप ऐसा नहीं है टैलेंटेड नहीं, सागर पॉप इज अ गुड डांसर। ओके अभी तो शुरू हुआ था, शुरू होते ही खत्म हुआ यार। घर वालों से छुपके एक वीडियो बनाई थी, 15 लाख आए थे उसपे, पता ना कैसे रिश्तेदारों को पता लग गई। oh, no. मम्मी के नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया। हाँ? मम्मी कह रही हैं तेरी वीडियो नहीं तेरी फिल्म बनाएंगे। तो बोलते ना प्रकृति आपको कदम कदम पर संकेत देती है, ये वो संकेत है। डाल रहे साउंड इफेक्ट, मतलब इसको भी पता है कि ये जो वीडियोस बना रहा है अच्छे नहीं है। पता ना कैसे रिश्तेदारों को पता लग गई। भाई समाज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, ब्यूटी खाने लाइक की है। अरे बाबली अब तू ब्यूटी खान
को रोस्ट करेगा? तुझमें उसमें एक ही डिफरेंस है जो भगवान ने दिया है, तू लड़का है वो लड़की है। वो बिल्ली का लिप सिंक करती है तो कुत्ते का लिप सिंक करता है। दोनों एक ही साउंड इफेक्ट डाल के वीडियोस बनाते। मैं नहीं पटूंगी। और दोनों को मैं रोस्ट भी कर चुका हूँ। She pull up, hop out, then she swerve. वैसे कंटेंट की बात आई तो भाई की ओरिजिनलिटी, मतलब टट्टी के भी अलग शेप कलर साइजेस होते हैं, बट भाई की हमेशा सेम साइज सेम कलर सेम इफेक्ट में आती है। टट्टी दी खुशबू, टट्टी दी खुशबू। आई थिंक मेरे लूज मोशन लग गया। ईयरफोन से जैक निकला वो बेसुरा निकला, ठीक है, लेकिन ये क्या लॉजिक है कि ईयरफोन में से जैक निकलने के बाद ही इसको रियलाइज हो रहा है? नहीं, अगर तुम लोग सोचो ईयरफोन तो इस बंदे ने डाले, इस बंदे को तो ऑलरेडी गाने का आवाज आ नहीं रहा, तो ऑलरेडी ये जो गा रहा है इसको सुनाई देना चाहिए। आई थिंक मेरे लूज मोशन लग गया। मतलब इसको इन जनरल कुछ रियलाइज नहीं होता है, शायद इसी वजह से ये बंदा अभी तक रील्स पे वीडियो बना रहा है। इसको कोई बोला ही नहीं होगा कि भाई खुले में आगना बंद कर। तो तनिष्क बागची और सागर पॉप में एक ही फर्क है, तनिष्क अच्छे सॉन्ग्स की धजिया उड़ा के नया गाना बनाता है। और सागर पॉप खराब वीडियोस को अच्छे कपड़े बना के और खराब वीडियोस बनाता है। भाई यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भाई एक काम कर, तेरी प्रॉब्लम को तो आई लव यू बोल के देख, क्या पता वो भी तुझे छोड़ के चली जाए। भाई ने प्रॉब्लम सुने बिना ही ज्ञान दे दिया। मैं पर्सनली अगर कोई बंदा जिसके पास बाइक है फिर भी रोड पे बैठा है तो मैं उससे भाई सॉल्यूशन ना लूं। ना डाक तेरा सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार छुट्टी। पता नहीं क्यों मेरे को बोहेमिया जैसा लग रहा है। कनाल घर ना बात सारी रात गड्डिया च फिर ना पी। डाक तेरा सोमवार मंगलवार बुधवार। इतना ही नहीं, काजल भाई के YouTube पे बहुत सारे इंटरव्यूज भी है। तो हटाओ, हमारे पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा ऐसे। ये रे काजल भाई असली सागर पॉप भाई, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं मेरे को, सबके सब जानते होगी। आई लाइक हाउ ये लोग दूसरे के फोन में देख के भी बाल सेट करते हैं। काजल भाई की फैन फॉलोइंग खतरनाक है, बहुत सारे लोग भी मिलने आए। एक टाइम था ना जब ये आए थे ना तो यहाँ पर भीड़ भीड़ हो गई थी, पर अभी का कोरोना का टाइम है। बट वो भी काजल भाई जैसे ही देख सकते हो। सबके सब सबके सब सबके सब छपरी है साले। 4.4 मिलियन एक मुंह में क्या है। तभी आगे चलते देखते क्या क्या मचाते हैं। 4 मिलियन फॉलोअर वाला लौंडा गुटका भाई ने YouTube पे रील्स डालने के पहले बहुत ट्राई किया यूट्यूबर बनने का। बहुत लोगों के Instagram पे DM आ रहे थे कि सागर भाई आप YouTube पे कब आओगे कब आओगे। तो गाइस फाइनली आपका सागर पॉप YouTube पर आ चुका है। तो गाइस आपके कहने पर ही मैंने YouTube स्टार्ट। वो सब ठीक है भाई, ये बंदा इतना सैड क्यों लग रहा है? तो गाइस आपका प्यार ऐसे ही देते रहो, अगर आपने इतना प्यार दिया ही है तो गाइस मुझे लग रहा है पता नहीं कौन सी सैड स्टोरी या कौन सा अपोलॉजी वीडियो बना रहा है। इसके बाप ने अपनी जायदाद इसके बजाय कबूतर के नाम कर दी, हाँ इसके वीडियोस देखकर। तो गाइस हमें आपकी मदद चाहिए। साला इंस्टा पे तो बदनाम करवा ही रहा था, आज से यूट्यूब पे भी करवाएगा। एक तो सागर भाई इतनी आंखें फाड़ फाड़ के वीडियोस बनाते हैं ना सब। सागर भाई कितनी भी आंखें फाड़ लो ऐसे कंटेंट बना के क्वालिटी ऑडियंस नहीं दिखने वाली। एनीवेज आई फील दैट्स इट फॉर सागर पॉप। वीडियो पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। एंड हमारी पिछली वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, इसकी वजह से YouTube ने उसको सजेशंस में डालना बंद कर दिया। नहीं देखी तो जाके देख लेना। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram @MaheshKeshwala। एंड यार मैन मैटर्स के प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। लिंक से बाय देयर प्रोडक्ट्स या फिर कंसल्ट अ डॉक्टर ऑनलाइन फॉर फ्री। और भाई लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट तो है लिंक पे क्लिक करने से। तो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।